राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। मिलेट्स पर आधारित 3 दिवसीय मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव में देश विदेश से 100 से ज्यादा एक्सपर्ट पहुंचे। इस मिलेट्स महोत्सव का आयोजन नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस विशिष्ट कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा और आप सबके विचार जो मिलेंगे, निश्चित रूप से वह काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी का मिलेट कॉन्फ्रेंस क्षमता और अवसर मैं पधारने पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं देख रहा हूं कि असम, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ सभी मार्केटिंग बोर्डों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विशिष्ट कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो मंथन होगा यहाँ पर और आप सबके जो विचार आएंगे, निश्चित रूप से इस मंथन से एक अमृत निकलेगा और वह अवश्य ही जिस उद्देश्य से इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में सफल बनाने में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में मोटे अनाज को जन जन की पहली पसंद बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पटल पर चल रहे कार्यक्रमों का नेतृत्व भारत कर रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। एक ओर जहां मिलेट्स किसानों के लिए अपनी कम लागत क्षमता के कारण उपयोगी है, वहीं पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण आज के बदलते परिवेश में हम सब के लिए भी अति आवश्यक है। और सच बताऊं तो जब हम मिलेट पर बहुत व्यापक चर्चा करते हैं तो एक मिलेट ही एक ऐसा अन्न है, श्री अन्न है। ये श्री अन्न हर प्रकार की जो शरीर के अंदर चाहे प्रोटीन की आवश्यकता है या पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करता है। अगर दाल प्रोटीन देता है तो मिलेट जो है उस पे और जो पोषक तत्व रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश, ऐसे भी स्थान हैं जहां पर लोग केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं और वो वेजिटेरियन खाने में जितने प्रकार के भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो मिलेट्स ही पूरा कर सकता है। इसलिए मिलेट्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सब इसकी महत्ता को ठीक प्रकार से अब समझ पा रहे हैं जब से ये नए रूप में, वैसे तो ये हमारी परंपरागत रूप से खेती भी रही है, परंपरागत रूप से और विशेष कर से उत्तराखंड में तो ये रहा ही है। आज के आयोजन से न केवल मिलेट्स के जो प्रचार प्रसार है वो तेजी से बढ़ेगा और वैसे हम लोगों ने पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में किया था जिसमें बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्गों से सभी लोगों को आमंत्रित किया। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो आयोजन है आज का ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमारा देश इसको मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। भाइयों बहनों, आज ये गर्व का विषय है कि भारत के जो प्रस्ताव हैं उस पर भी आज पूरी दुनिया गंभीरता से प्रयास कर रही है, इसीलिए मिलेट वर्ष घोषित हुआ है। हम सब जानते हैं कि बहुत से राज्यों में मोटे अनाज की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पहले इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब तस्वीर बदल रही है, इस कारण अब इसके प्रति लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। आज मिलेट्स को लेकर कई सारे स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं जो केवल किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं बल्कि रोजगार को भी, रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं और लोगों के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को बाजार भी अब उपलब्ध हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे सभी मंडियों के अध्यक्ष, सभी राज्यों के हमारे जो प्रतिनिधिगण आए हैं, वो कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदने पर अगर सीधे सीधे हम इसकी व्यवस्था बनाएं, इस पर मंथन करें, तो बहुत आसान काम आगे के लिए हमारे किसानों के लिए भी हो जाएगा और राज्यों को भी जो अनावश्यक रूप से चीजों को बहन करना पड़ता है उससे भी हमको छुटकारा मिलेगा। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये श्री अन्न उन्होंने आज संपूर्ण दुनिया का श्री अन्न बना दिया, जो केवल पहले भारत में श्री अन्न की संज्ञा दी जाती थी। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उनके इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमें सिद्धि तक इसको पहुंचाना है। श्री अन्न केवल खेती तक ही सीमित न रहे, खाने तक ही सीमित न रहे, श्री अन्न समग्र विकास का माध्यम बन रहा है। इससे गांव भी जुड़ रहे हैं और हमारे गरीब भी जुड़ रहे हैं। पुनः सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम,
जाग उठा है भारत।